नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइफ में। हिंदू धर्म में वृंदावन शहर को काफी पवित्र माना जाता है। यह वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे अपना बचपन बिताया था। दस्तावेजों से पता चलता है कि वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय नृत्य किया था। इतना ही नहीं, राधा संग रासलीला के जरिए कृष्ण ने प्रेम का संदेश भी यही दिया था। यही वह जगह है जहाँ कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे जब वह नहा करती थी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कई दानवों का नाश किया था। देखा जाए तो वृंदावन हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ 5000 के करीब मंदिर है। समय के साथ साथ वृंदावन काफी नष्ट हो गया था। 1515 में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण से जुड़ी सभी स्थानों की खोज में इस स्थान का भ्रमण किया तो वृंदावन फिर से अस्तित्व में आया। वह वृंदावन के पावन जंगलों में काफी भटके और अपने आध्यात्मिक शक्ति से शहर और आसपास के पवित्र स्थलों को पहचाना। उसके बाद से हिंदू संतों द्वारा जीवन में कम से कम एक बार वृंदावन का भ्रमण किया जाता रहा है। जब आप यह शहर घूमने जाएंगे तो पाएंगे कि लोग अपने दैनिक दिनचर्या के दौरान भी राधे कृष्ण जपते रहते हैं। वृंदावन और आसपास के पर्यटन स्थल, जैसे कि पहले भी कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल होने के नाते वृंदावन में करीब 5000 मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो काफी प्राचीन है, वही कुछ समय के साथ नष्ट हो गए हैं। हालांकि कई प्राचीन मंदिर आज भी बचे हुए हैं, जिन्हें देखकर भगवान कृष्ण से जुड़ी कई बातें मालूम पड़ती हैं। कुछ प्रमुख मंदिर जो कि बांके बिहारी मंदिर, रंगजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर भी शामिल हैं। यहाँ का इस्कॉन मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है और इसमें ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटक शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ वेदों और श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है। यहाँ के कई मंदिर कृष्ण की संगिनी राधा को समर्पित है। इन्हीं में से एक है राधा गोकुल नंद मंदिर और श्री राधा रास बिहारी अष्टसखी मंदिर। अष्टसखी से अभिप्राय राधा की 8 सहेलियों से है, जिन्होंने राधा और कृष्ण के बीच प्रेम में अहम भूमिका निभाई थी। मंदिरों में इतर यहाँ का केसी घाटी भी महत्वपूर्ण स्थल है। हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। जबकि आप इस घाट पर जाएंगे तो देखेंगे कि लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए यमुना में डुबकी लगाते हैं। यहाँ कई तरह के धार्मिक कृत्य होते हैं। साथ ही शाम के समय वातावरण आरती की आवाज से और भी पावन हो उठता है। तो आइए जानते हैं कैसे पहुँचे वृंदावन। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से वृंदावन पहुँचा जा सकता है। यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट दिल्ली है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के समय अच्छा रहता है। तो अगर आपको वृंदावन शहर की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रिया ट्रैवल लाइट।